लेकिन थोड़ा उस तरह जैसे वीडियोस में नहीं आता अच्छे जैसे हम लोग लोग गाइस वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग में अच्छा स्टोरी और आज बहुत मज़े का मौसम है और आज व्यू इतने मज़े का कोई आ रहा है कि आप देखें एक बार। ये देखो चेक करो भाई साहब, अल्लाह की रहमत है। ओए हो क्या रोशनी पड़ रही है माशाल्लाह। और ये बादल तो क्या ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, जैसे लग रहा है ना रियल है, बिल्कुल रियल की तरह है रियल ये। लेकिन थोड़ा उस तरह जैसे वीडियोस में नहीं आता अच्छे जैसे हम अमीर लोग होते हैं जो सिनेमैटिक शॉर्ट्स बनाते हैं और वो उस तरह के आ रहे हैं, वो तो इफेक्ट लगाते हैं नेचुरल कोई इफेक्ट के बगैर है। चेक करो ये वाला हाईलाइट है, रियल लाइफ में देखो ना इतनी कोई इस पर रोशनी पड़ी है कि कितना क्यूट लग रहा है ये बात है। उसमें कुछ फेस तो नहीं बना गया, वो देखो ब्लैक ब्लैक बीच में इसके। और ये बादल चेक करो, ये टावर है, नीचे भी बादल हैं इसके। मैं मोमटी पे जाता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। आ गया हूँ और अभी आ गए देखिए। ओए होए होए ओए होए, इसकी ब्राइटनेस कम करें, कम करके देखते हैं कितनी होती है इसकी ब्राइटनेस। ओए होए होए, और फुल पे, और फुल पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना गाइस। ये फुल डार्क, ओए मेरा फुल गिरने लगा कितनी तेज हुआ है, इसमें सही पता चल रहा है। ओए 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 क्या बादल ने कसम से क्या सा दिया। इसको ना मैं सॉन्ग में कर लूँगा ठीक है, सिनेमैटिक शॉट आपको बता। मज़े के बादल हैं और इतने मज़े का मौसम हो रहा है, तो पहाड़ भी शायद दिख रहे हैं क्योंकि अभी बारिश जब तेज़ शुरू होगी तो उसके बाद साफ हो जाएगा बिल्कुल और उसके बाद आएगी। वो देखो धूप की रिफ्लेक्शन, वो ये धूप, इस घर में जो धूप पड़ रही है ना ये दुकान है, इस पर ये धूप पड़ रही है। और ये देखो धूप बिल्कुल उस साइड, ये रुख देख रहे हो इसका रुख उस साइड पर है, वो एक उस घर में धूप पड़ रही है। और पीछे पहाड़ भी दिख रहे होंगे, ये जो पहाड़ हैं ये इस्लामाबाद के पहाड़ हैं और मैं रहता हूँ मॉडल टाउन में। इंशाल्लाह हम DHA में भी घर देखेंगे अगर अवेलेबल हुआ तो लेंगे। यार माशाल्लाह कितने प्यारे हैं यार ये बादल, कसम से आज का ना वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया बिल्कुल छोटा सा। वो अभी ना इसमें कुछ फेस कैप्चर हुआ था, वो अभी कोई फेस कैप्चर हुआ था आसमान में किया था मैंने, मजाक के अलावा सच्ची कह रहा हूँ। और फिर डार्क करते चेक करते हैं कैसा आता है। वो डार्क डार्क, वो भाई साहब क्या बादल आ रही है, थोड़ा लग रहा है ना इफेक्ट सा, इफेक्ट नहीं है ये मेरे फोन का। ये चेक करो ना बादल, वो ये क्या बना है, कुछ बना हुआ है देखो ना ये, आप बताओ ये क्या बना है, ये मुझे भी नहीं समझ आ रही कुछ बना हुआ है बादलों का। ये देखो ये जो चीज़ है ना ये कुछ बना हुआ है, इसने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे लग रहा है। ये बादल कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। अभी असली में थोड़े से बेकार बल्कि बिल्कुल सही लग रहा है, अभी सही लग रहा है। वो देखो बिल्कुल नीचे नीचे हाईलाइट है, इतने बादल नीचे आए हुए पता है। अभी हम जाए ना थोड़ा सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा ही नहीं कि पास पहुँचेंगे जाके, इतने नीचे बादल हैं। ये तकरीबन वो नहीं जो पीछे पहाड़, वो पहाड़ जो है पीछे उन तक आराम से होंगे मुश्किल से, लेकिन वही सही है यार ये बादल। आज के तो आज का तो कॉन्टेंट इतने मज़े का बना है कि क्या बताऊँ। और अगर आपको मेरा फेस बुरा लगा तो मुझे बता दो कमेंट में कि मैंने ऐसे ही बनाई ये वीडियो, और कोई मकसद नहीं था इस वीडियो का बनाने का, तो मैंने कहा आज बहुत अच्छा मौसम है थोड़ी वीडियो के लिए बना लेते हैं और बिल्कुल ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और अच्छे बादल अभी देखते हैं वही साहब। ये देखो बादल कितने फुट फुट हैं, अभी वो वाले देखो ब्लैक बादल आए हैं। मैंने अभी ऐसे ही ना वो खेल रहा था ना ऐसे ही बादलों का देख के, मैंने कहा अभी यहाँ पर धमाका हुआ और काले बादल आ गए, मैं पागल हो गया था उससे। ऊपर से जो वाइट बादल है ना, वाइट बादल ये जूम है क्या ना, वाइट बादल जो है ना इनको मैं कह रहा था ये असली बादल है और ये धमाका आया जगह पर, यहाँ तो धुआं जमा हुआ है। ये मैं ऐसे ही मजाक में कहा तो यार ये कसम से कैसे बादल है यार, अगर मैं ऊपर देखूँ ना नीचे से नीचे गिर जाऊँगा मैं मम्मी पे आया हूँ, ये देखो नीचे कितना ऊपर आया हूँ मैं। वो देखो ये बिल्ला कितना प्यारा है यार,
ये हमारे सामने आंटी रहती हैं, उनका बिल्ला है, बड़ा प्यारा है। आंटी का खिलौता बिल्ला ही बच्चा समझती है आंटी से। यार वो देखो वो कोई मोल है ना, मोल से बन रहा है वो। मैंने फोकस नहीं किया और मेरी बहन, ओए मेरा टॉमी आया है, मेरा टॉमी आया है। बादल ओए इसके नाक पे क्या है, छलांग मारोगी? ये देखो मेरा टॉमी, इसकी नाक पर कुछ लगा हुआ है, सालन लगा हुआ है मेरे ख्याल से। भाई क्या खाया, क्या खाया गुड्डे? ये देखो इसकी नाक। भाई मैं सही तरह नहीं कोई खा सकता, मैंने आपको पकड़ा है। अरे फेस उठ आ रहा है इसका। ये मेरा क्यूट टॉमी रवि, इसको हमने छत पर रखी हुई है। ये नाक पर इसने सालन लगाया, सालन लगाते सालन लगाते ये मेरे क्यूट बुल्ले। तब प्यारा बच्चा है ना, ये नहीं बता सकता कसम से, ये तो बड़ा क्यूट बिल्ला है। ये अभी भी ना दूध पीता है ना, इनकी जो माँ है ना, उनका नाम लक्सा था, वो भाग गई, पता नहीं भागी थी या कोई सप्लेंट आया था। ये उन्हीं के बच्चे हैं और ये क्या कहते हैं अभी तक हमारे पास है। और ये ना जो बच्चे हैं ना दूसरे बिल्ली के, चार बच्चे हैं ना, तो वो ना वो उससे प्यार करते हैं, उसका दूध जैसे पीते हैं, वो सीने में इस तरह इतना धूप लगा होता है। और वो देखो यार क्या मज़े का मौसम है, बादल ही बादल है समझो। और यार मैं तो कह रहा हूँ सिनेमैटिक शॉट भी डाल दूँ। अच्छा तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो मैं डाल दूँगा, किस में डालूँगा, डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप लोगों ने प्लीज़ लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना। तो आपको दिखाते हैं DHA के पार्क का जो है ना खम्बा, वो देख, वो दिख रहा है? रुक जाओ मैं जूम करके बताता हूँ, अभी आपको समझ आएगी। ये जो नहीं है, ये पानी का जो टैंकर है, और ये साज के खम्बा, ये गोल्ड चेस्ट के पीछे ये है जी। रुक जाओ यार, एक तो फोकस ही नहीं बन गया मेरा, फेस पे आ गया उसमें। ये है यहाँ पर DHA का पार्क, इतने मज़े का। इसमें फुल ट्रैक बना हुआ है रनिंग का और अच्छी चीज़ों का। अभी इसमें वो बन रहा है फाउंटेन, बड़े मज़े का फाउंटेन बना रहा है कसम से। हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ। और वो देखे बादल कितने चस के बादल हैं, अब तो बहुत ऊपर रह हो गए बादल, उसमें गैप ही आ गया। और देखो वो ड्रिप ड्रिप ड्रिप। चलो ब्लॉग की एंडिंग इधर ही करते हैं। ओके बाय बाय।